हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद ग्लो। सो आज की वीडियो होने वाली है सदर बाजार संडे मार्केट की। सो इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ये दिल्ली की बहुत ज़्यादा पुरानी मार्केट में से एक है। सो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान आपको होलसेल रेट पर बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में मिलता है। सो आज मैं आपके साथ इसी मार्केट को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं डायरेक्शन बता देती हूँ। सो सदर बाजार जाने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आके आश्रम, एंड यहाँ से आपको इजीली ई रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में सदर मार्केट बाज़ार में छोड़ देंगे। सो जो रिक्शे वाले भैया हैं वो आपको ये सदर बाज़ार के मेन गेट पर छोड़ देंगे। सो जैसे ही आप इस गेट से एंटर करेंगे, वहीं से जो सदर बाज़ार की जो मेन मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है। सो जैसे ही मैंने इस गेट से एंटर किया था, एंड थोड़ी दूर जाते ही मुझे ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चूड़ा की शॉप दिखी। इन पर काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी के एंड काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस में चूड़ाज अवेलेबल थे। सो ये जो चूड़ाज थे इनका प्राइस था 1000 से 1100 रुपये के बीच, एंड इसकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड बीच बीच में इसमें जो भी ये कंगन लगे हुए हैं इनमें सारे एडी का वर्क था, जो जर्किन का जो नग होता है उसका काम था। एंड उसी के पास में ये शॉप थी, इनमें इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे बैग्स थे, लाइक पार्टी वियर या वेडिंग के पर्पज़ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैग्स थे। एंड इनका जो प्राइस था, किसी का 300 रुपये, किसी का 500 एंड किसी का 700, ऐसे ये भैया ने कोट किया था। उसके बाद मुझे दिख रही थी ये ब्यूटीफुल से कंगन, सो इनका प्राइस था अराउंड 100 to 150 रुपीज़। एंड इनकी जो क्वालिटी थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एंड इनमें जो कलर ऑप्शंस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इवन ये वाइट वन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, एंड किसी भी किसी भी आउटफिट के साथ ही इजीली जा सकते हैं। एंड इनमें ये जो मल्टी कलर वाले भी थे, एंड ये जो गोल्डन में है ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। एंड ये वाले जो कड़े थे इनका प्राइस था 150 रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड इनकी जो क्वालिटी थी उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। इवन जैसे आप बाहर से महंगे महंगे कंगन लेते हो, सेम उसी टाइप के कंगन थे। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वाली शॉप। तो सदर बाज़ार में कोई शॉप नंबर अवेलेबल नहीं था, आप रेंडमली मार्केट में एंटर करोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सो उसके बाद मुझे ये दिखी थी काफ़ी ब्यूटीफुल से ईयरिंग्स, तो इनका जो प्राइस था ओनली 20 रुपीज़ था। जो भी जितनी भी सारी ईयरिंग्स थे वो 20 रुपीज़ के थे, एंड जो ये वाली ईयरिंग्स थे उनका प्राइस था 60 रुपीज़। और इसमें कलर ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इवन मुझे भी ये ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक ईयरिंग्स थे जो आपको बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। सो या उसके बाद आपको ये गोल्ड गोल्ड चेन आपको देखने को मिल जाएंगी। सो ये पूरा 24 का पेयर था जो कि 100 से 150 के अराउंड था। सो ये अगर आप गोल्ड पहनना नहीं पसंद करते तो ये चेन आपके लिए बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद ये जंक ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एंड इवन मैंने इसमें से एक परचेज़ भी की थी। सो ये आपको भैया ने, मेरे को भैया ने 100 रुपीज़ की बताई थी। एंड ये जो 50 वाले थे, ये वाला जो नेक पीस था, एंड ये जो भी हैवी नेक पीस है वो सारे 100 रुपीज़ के थे। उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड जो क्वालिटी थी वो भी उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। बहुत अच्छी क्वालिटी के ये जो नेक पीसेस थे वो थे। इवन आपको इसमें ब्रेसलेट भी मिल जाते हैं, एंड इसमें जो डिज़ाइंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एक्चुअली मैं सही से सूट नहीं कर पाई, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी थी। तो उसके बाद आपको मिल जाती है नेल पेंट। सो इसमें कोई नेल पेंट थी 90 रुपये की 12, एंड कोई थी 120 की 12। इस तरीके से अगर आप एक नेल पेंट बाई करते हो तो वो आपको 20 रुपीज़ मिलेगी, क्वालिटी अकॉर्डिंग कोई नेल पेंट आपको 10 रुपीज़ की मिलेगी। एंड आप बल्क में बाई करती हो तो आपको काफ़ी चीप रेट पर मिलेंगी। सो उसके बाद यहाँ पे थी हेयर एक्सेसरीज। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी हेयर एक्सेसरीज यहाँ पे मिल रही थी, एंड इसका प्राइस आई थिंक 100 to 150 था। एंड जो ये जो हेयर क्लिप्स थी ये आई थिंक 30 रुपीज़ का पेयर था। सो काफ़ी सुंदर थी, पार्टी वियर हेयर क्लिप्स थी, तो आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे दिखी थी ब्यूटीफुल सी बड़ी बड़ी जो रिंग्स हैं ये, एंड जो इनके जस्ट साइड में रखी हुई थी बहुत छोटी छोटी इयरिंग्स लाइक एडी की एंड नग में काफ़ी अच्छी अच्छी। सो ये वाली जो रिंग्स थी इनका प्राइस था सिर्फ 10 रुपीज़ जो छोटी वाली इयरिंग्स है। एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी की जो रिंग्स है वो मिल जाएंगी। ये ये 20 रुपीज़ था, इनमें किसी का प्राइस 20 रुपीज़ था, किसी का 30, एंड जो ज़्यादा बड़ी रिंग्स थी उनका प्राइस 50 रुपीज़ था। एंड ऑल्सो आप अगर आप बल्क में लेते हो तो आपको बहुत चीप पड़ेंगी। एंड ये जो बहुत छोटी छोटी रिंग्स है ये आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में मिलेंगी।
उसके बाद मुझे दिखे थे ब्यूटीफुल से नेक पीसेस एंड इनका जो प्राइस था वो जस्ट 200 to 250 रुपीस था। आप कोई भी नेक पीस लेते हो आपको सिर्फ इतने ही प्राइस में मिलेगा एंड इसमें जो कलर ऑफ रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप किसी भी आउटफिट के लिए उससे मैचिंग आप यहाँ से जो नेक पीसेज है वो ले सकते हो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में बहुत अच्छे नेक पीसेज मिलेंगे एंड इसमें आपको मांगटीका इयररिंग्स एंड नेक पीसेस के साथ आपको पूरा ये सेट मिलता है सिर्फ 250 रुपीज़ में एंड आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। मैंने एक टेस्ट करने के लिए ओपन करके देखा था कि क्वालिटी इनकी इनकी क्वालिटी जो काफ़ी ज़्यादा फाइन है एंड कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि नग वगैरह निकला है या फिर कुछ भी मतलब ऐसा डिफेक्टेड कोई भी नहीं है। आपको जैसा पीस मतलब आप जैसा पीस शोरूम से या किसी भी मार्केट से लेते हो शॉप से लेते हो सेम वैसा ही आपको यहाँ पटरी मार्केट में मिलता है। सो मुझे ये जो नेक पीसेस थी इनकी क्वालिटी ऑल दो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी बट यही था कि कुछ था नहीं फंक्शन वगैरह तो मैंने ये जो भी है बाय नहीं किए थे। उसके बाद आपको दिखते हैं ये ब्यूटीफुल से इयरिंग। सो गाइज ये जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपको एक ही जो लाइन है मार्केट की उसमें आपको इजीली दिख जाएगा। जो मेन बाज़ार से मैंने मतलब कवर किया था वहाँ से अगर आप आओगे तो आपको इजीली ये दिख जाएंगे एंड आप देख सकते हैं जो इयरिंग्स की जो मतलब डिज़ाइन है जो कलर है क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है एंड मैंने बहुत ज़्यादा पास से इनको कैप्चर किया था इसीलिए आप देख सकते हैं झुमकास वगैरह कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड मार्केट में तो इनका प्राइस जो है वो 250-300 इससे कम में मिलेगा ही नहीं बट यहाँ पे आपको ये 150 किसी का जैसे छोटे इयरिंग्स हैं इनका प्राइस आई थिंक 70-100 रुपीज़ था एंड थोड़े से बड़ी इयरिंग्स हैं उनका प्राइस आपको 100-150 मिल जाएगा। इस तरीके के अलग अलग प्राइस रेंज में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे एंड मुझे तो इतने ज़्यादा अच्छे लगे बट मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं था अभी इसलिए मैंने ये इयरिंग्स वगैरह बाय नहीं किए थे। एंड उसके बाद आपको दिखेंगे ये मंगलसूत्र। सो ये सारे एडी का मतलब एडी का इन पर सामान था जो भी रिंग्स थी वो एडी की थी एंड 100 रुपीज़ की थी पर रिंग एंड ये जो भी मंगलसूत्र है वो 50 रुपीज़ के थे ओनली एंड क्वालिटी माय गॉड मैंने तो इसमें से एक बाय भी किया था अपनी मम्मी के लिए। सो बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्वालिटी एंड इसको अगर बाहर से आप बाय करोगे तो वो इवन आपको बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल प्राइस में मिलेंगे। सो मैंने यहाँ से एक बाय कर ही लिया एंड उसके बाद आपको मिलती हैं ये ब्यूटीफुल सी नथ। सो ये आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएंगे एंड ऑल्सो टीका भी आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएंगे एंड ये जो छोटी वाली नथ है ये आपको 50 रुपीज़ में मिलेंगी। सो ये भी काफ़ी अच्छी थी लाइक अगर आपकी शादी होने वाली है ब्राइड्स हो तो आप इजीली इसको ले सकते हो। सो उसके बगल में ही एक और शॉप थी इन पर भी एडी की जो ज्वेलरी थी। सो ये जो इयरिंग्स थे इनका प्राइस था 30 रुपीज़। सो ये एक नग की इयरिंग्स थे एंड ये जो मंगलसूत्र है इसका भी प्राइस 50 रुपीज़ था जो बड़े वाले थे एंड इस टाइप के जो इयरिंग्स थे ये थे 100 रुपीज़ के। इनकी क्वालिटी एंड जो डिज़ाइन थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड इसमें एक और वेराइटी थी ये थे 50 रुपीज़ के। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड इसमें भी आपको मंगलसूत्र मिल जाएंगे। सो वो भी ये जो जितने भी सारे मंगलसूत्र हैं सिर्फ 50 रुपीज़ के हैं चाहे आप कोई सा भी मतलब बाय करो इसमें सारी डिज़ाइंस 50 रुपीज़ की थी एंड इसमें मैंने एक ओपन करके भी देखा था क्वालिटी चेक करने के लिए। सो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी पास से कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड ये सिर्फ आपको 50 रुपीज़ में मिलेगा। सो बहुत अच्छा था इसमें जो नीचे पर्ल दिए हुए थे इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद ये आपको साड़ी पिन मिल जाती है यहाँ पे। सो ये मतलब अलग अलग रेंज की थी कोई थी 60 की कोई 30 की। ये जो रेड कलर की जो साड़ी पिन है वो 30 रुपीज़ का पूरा पेयर था एंड ये 60 रुपीज़ इस टाइप से इसमें 40, 50, 60 सारी प्राइस रेंज में अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से इसमें थी एंड ये जो आपको बन दिख रहे हैं ये सारे 50 रुपीज़ के थे एंड ये जो हेयर एक्सेसरीज है वो भी 50 रुपीज़ की थी। सो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा था। जो ये नेक पीसेज आप देख रहे हो ये थे सिर्फ 100 रुपीज़ के और पूरा इनमें जरकन का काम था एंड काफ़ी सुंदर लग रहा था। ऐसे इयरिंग्स ऐसे जो नेक पीसेज हैं वो गाउन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर या गाउन के ऊपर काफ़ी सही लगते हैं। इसमें जो भी मतलब नेक पीसेज थे सबका प्राइस 100 रुपीज़ था। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कलर्स इसमें अवेलेबल थे एंड डिज़ाइंस ऑल्सो इज़ वेरी गुड। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे जो भी इयरिंग्स है आप देख सकते हैं सारे पेस्टल कलर्स थे ग्रीन पिंक एंड ऑल्सो अगर आपको मैं लेना नगमे भी अवेलेबल थे मोती दोनों में अवेलेबल थे। सो उसके बाद मुझे दिखे थे ये वाले जो नेक पीसेज हैं ये थोड़े से उस पहली वाली शॉप से डिफरेंट थे इसलिए मैंने इनको कैप्चर किया एंड ये इनका जो प्राइस था सिर्फ 250 रुपीज़ था। कोई सा भी नेक पीस लेते हो सारे 250 रुपीज़ के थे
सो आप देख सकते हो क्वालिटी, आप देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है। मैं मुझे बस यही लग रहा था कि पटरी मार्केट है तो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वाइज कैसे होंगे, मुझे मतलब उसका डाउट था। बट वहाँ मार्केट में जाके खुद देखे मैंने, मतलब मुझे यकीन हो गया कि हाँ वहाँ से ज्वेलरी आप ले सकते हो। अगर आपको लेना है किसी की, मतलब आप ब्राइड बनने वाले हो या आपके घर में शादी, तो आप ईजिली ले सकते हो। एंड ये आपको इस तरीके के छोटे छोटे नेक पीसेज हैं, ये आपको सिर्फ 70 रुपीज़ में मिलेंगे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन है ये, आई थिंक कृष्ण भगवान जी इसमें बने हुए हैं। सो अगर आपको इस तरीके की कुछ मतलब ज्वेलरी लेनी है तो ये आपको इजीली यहाँ पे 70 रुपीज़, 70 to 100 रुपीज़ मिल जाएगी। बाकी इन सब का प्राइस था 70 रुपीज़ एंड काफ़ी अच्छी थी। सो उसी लाइन में मुझे देखी थी नेल पेंट। सो ये जो नेल पेंट का प्राइस था, आई थिंक इनका जो प्राइस था वो था 120 की, 12 नेल पेंट। एंड जो ये वाली जो नेल पेंट थी, ये थी आई थिंक 70 रुपये की 12, इस तरीके से भैया ने मुझे बताया था। एंड अगर आप एक नेल पेंट लेते हो तो वो आपको मिलती है 20 रुपये की, एंड जो 70 वाली थी वो आपको मिलेगी 10 रुपये की। सो उसके बाद यहाँ पे मेकअप का भी सामान मिलता है, लाइक आई शेडोज एंड लिपस्टिक एंड ऑल। बट क्वालिटी उतनी ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। आई शेडो आप ले सकते हो क्योंकि जो भी पीसेज होते हैं वो फ्रेश होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि यूज होते हैं या फिर कुछ भी। एंड यहाँ पर जो हेयर पिंस थी, ये थी 30-30 रुपीज़ का पूरा बॉक्स था। एंड काफ़ी ज़्यादा कलर्स थी इसमें भी, बहुत ज़्यादा मल्टी कलर में था, ये बहुत सुंदर था। एंड उसके बाद मुझे दिखी थी ब्यूटीफुल सी पायल। सो इनमें अगर आप एक पायल लेते हो तो उसका प्राइस था 20 रुपीज़, बट अगर आप बल्क में लेते हो तो ये आपको 10 रुपीज़ का एक पेयर पड़ेगा। एंड पायल की जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे आपको बहुत ज़्यादा हैवी पायल नहीं पसंद है तो आप बाय कर सकते हो। अगर आप अपनी मम्मी के लिए लेना चाहते हो, लाइक थोड़ी सी हैवी पायल लेना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो। एंड उसी के बगल में थी ईयरिंग्स की शॉप। सो यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर सुंदर इयर रिंग्स थे, लाइक वही 20-30-40 की रेंज में। एंड उसके बाद मुझे दिखी थी ये फ्लावर ज्वेलरी की शॉप। सो यहाँ पे ये जो फ्लावर ज्वेलरी थी, इनमें एक का प्राइस था 100 रुपीज़, ये जो येलो वन है। एंड ये जो मल्टी कलर में है, इनका प्राइस था 150 रुपीज़। सो इस टाइप का जो आर्टिफिशियल गजरा था वो भैया ने बताया था 50 रुपीज़, सो इसका प्राइस था 50 रुपीज़। एंड ये जो ऑल्सो ये रेड वाली जो ज्वेलरी है, इसका भी प्राइस था 50 रुपीज़। एंड सो यहाँ पे दिखे थे मुझे ये ब्यूटीफुल से नेक पीसेस, तो इनमें सबका जो प्राइस था वो था सिर्फ 100 रुपीज़। एंड काफ़ी सही थे ये भी जो नेक पीसेस हैं वो। सो इसमें आपको सिर्फ नेक पीसेस रिसीव होते हैं। उसके बाद मुझे दिखे थी बहुत ही ज़्यादा क्यूट से इयर रिंग्स, तो मैंने इसमें से एक लिया भी है। सो ये सिर्फ आपको 10 रुपीज़ का पूरा ये पैकेट मिल जाता है। एंड इसमें आपको आई थिंक 6 पेयर मिलते हैं। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कलर ऑप्शंस, डिज़ाइन इतनी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। एंड जो ऊपर वाले थे वो थे 30 रुपीज़ का पूरा पैकेट। सो काफ़ी सही था इसमें डेली वेयर के लिए, जैसे आपको कॉलेज ऑफिस अगर पहनना पसंद है तो आप इजीली इनको मतलब ले सकते हो, काफ़ी सही थे ये। उसके बाद मुझे दिखे थे बिंदी का पैकेट। सो इसमें अगर आप एक बाई करते हो वो आपको पड़ेगा 5 रुपीज़ का। सो इसमें जो पूरा पैकेट है आपको वो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ का। उसके बाद दिखी थी मुझे क्यूट सी हेयर क्लिप्स, एंड इनका जो प्राइस था सिर्फ 30 रुपीज़ का पूरा पैकेट था। या आप कोई सी भी इसमें हेयर क्लिप्स लेते हो, लाइक ये पर्ल वाली या फिर ये जो कलरफुल जो हेयर क्लिप्स हैं, या ये जो ब्लैक वन, ये सारी जो भी थी 30 रुपीज़ की थी। एंड काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड आप बाहर से लेते हो तो आपको 30 का सिर्फ एक पीस मिलता है, बट यहाँ पर आपको पूरा पैकेट मिल रहा था 30 का। सो अगर आप एक लेते हो, ये थोड़ा सा कॉस्टली देते हैं, मतलब दे देते हैं, कई कई शॉप कीपर्स आपको दे देंगे मतलब एक पीस भी आप लोगे, बट वो फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप पूरा पीस नहीं लेते हो तो। उसके बाद ये बच्चों की क्लिप थी बहुत सुंदर सुंदर, और ये जो हेयर पिन थी, जो इसका जो प्राइस था वो था 150 रुपीज़। इसको मैंने अभी हाथ लगाया, इसका प्राइस था 150 रुपीज़ पूरे पैकेट का। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये वाली हेयर क्लिप्स। एंड आपको आई थिंक 10 इसमें रिसीव हो जाती हैं, सो 10 के हिसाब से काफ़ी सही था 150 रुपीज़। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक बच्चों की हेयर क्लिप्स, एंड आप अपने लिए अगर लेना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएंगी आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे था रबर बैंड का पैकेट। सो ये था 60 रुपीज़ का पूरा पैकेट, ये जो छोटी वाली रबर बैंड थी उनका। एंड ये 30 रुपीज़ में आपको मिरर एंड कॉम का भी पैक है वो मिल जाएगा पूरा। एंड यहाँ पर कॉम भी अवेलेबल थे। उसके बाद आपको मार्केट में ये स्लीपर्स की स्टॉल भी देखने को मिल जाएगी। सो ये थी 120 रुपीज़ की स्लीपर्स, आप कोई भी लेते हो। एंड ये जो बच्चों वाली थी वो थी सिर्फ 30 रुपीज़ की।
सो 30 रुपीज़ का आपको एक पेयर मिलेगा। ये जो मैंने पहले बैग वाली शॉप दिखाई थी उसी पर भैया ने मुझे दिखाई थी किट, सो इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये। फिर काफ़ी अगर आप ब्राइड बनने वाले हो, आपकी शादी होने वाली है, तो ये जो मतलब किट है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस था एंड कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था रोज़ गोल्ड। सो ये किट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड उन यही इसी शॉप पर ये जो पोटली बैग है इनका जो प्राइस था वो था 700 रुपीज़ एंड इनमें सारे जो बैग्स थे इनमें किसी का प्राइस था 300, किसी का 500 एंड मतलब जैसे क्वालिटी थी, जैसे इनकी डिज़ाइन थी उसके अकॉर्डिंग इनका प्राइस था। एंड उसी के बाद आप उसी के पास आपको दिख जाएंगे ये 50-50 रुपीज़ के सनग्लासेस। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे, लाइक आप मल्टीपल कलर्स में भी आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट से जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो मुझे दिखी ये हेयर मतलब यहाँ पे जो हेयर एक्सटेंशंस है वो मिलते हैं। सो ये था 150 रुपीज़ में हेयर एक्सटेंशन एंड ये जो ये हेयर एसेसरीज थी लाइक बन एंड गजरा वगैरह ये सारे 50 रुपीज़ के थे एंड ये बिग आप देख सकते हो पूरा गोल्डन कलर में। एंड ये जो हेयर एक्सेसरीज थी हेयर क्या बोलते हैं इनको आई डोंट नो हेयर एक्सटेंशन, सो ये थे 300 रुपये का एक था। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो मांगटीका भी मिल जाएंगे आपको लाइक 50-60 रुपीज़ में एंड ये जो भी हेयर एक्सटेंशन है वो आपको 150 रुपीज़ के मिलेंगे। एंड ये जो एक्सेसरीज है इनका अलग अलग प्राइस रेंज था, किसी का 100 रुपीज़, किसी का 50 एंड जो ज़्यादा हैवी थी उसका था 150 रुपीज़, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर बन की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थे एंड ये सिर्फ आपको 50-50 रुपीज़ में मिलेंगे। सो यहाँ पे मतलब जो हेयर अगर आपको सिर्फ हेयर वाले बन चाहिए तो वो भी अवेलेबल थे एंड उसके ऊपर अगर आपको लगाने हैं तो जैसे रोजेज वगैरह के तो वो भी अवेलेबल थे और इन सबका प्राइस एक ही था 50 रुपीज़। एंड ये जो डोनट बन था अगर आप कोई बन वगैरह बनाते तो उसके लिए यूज़ होता है, ये था 20 रुपीज़ का एक पीस था ये। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी चीज़ देखने को मिली, यहाँ पे टी शर्ट्स मिल रहे थे सिर्फ 150 रुपीज़ में, 4 टी शर्ट्स। ओ माई गॉड इतनी सस्ती, मतलब 40 रुपये से भी कम में एक टी शर्ट। सो मैंने इसको एक हाथ में भी लेके देखा, मैंने कहा पता नहीं कैसी टी शर्ट हो, डिफेक्टेड तो नहीं है। सो ओवरऑल जो इनकी क्वालिटी थी काफ़ी ज़्यादा सही लगी थी, बट अगर आप इनको एक बार बाय करते हो तो पूरा अच्छे से खोल के देख लेंगे कहीं कुछ डिफेक्टिव तो नहीं है, इनको अच्छे से देख के तभी बाय करें। सो उसके बाद मुझे दिखी थी कोल्हापुरी स्टाइल चप्पल्स, तो इनका प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज़ और ये आपको ईजिली किसी भी साइज में अवेलेबल होंगी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। इवन आप इन्हें सूट के ऊपर या फिर किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के ऊपर ईजिली कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इनमें जो इनकी डिज़ाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। सो गाइज ये थी संडे सदर बाजार मार्केट की वीडियो। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर पहली बार भी आप अगर सदर बाजार मार्केट जा रहे हो तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी एंड मुझसे जितना हो पाया मैंने एक्सप्लोर किया एंड अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी मैं इससे ज़्यादा बेहतर मार्केट को एक्सप्लोर कर पाऊँ। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।